अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, और आप सबकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग, जो कि बहुत मज़े का है। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से बोल रही थी कि हम लोग बाहर चलेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ ऐसा कि चाचू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, तो वो भी हॉस्पिटलाइज हैं, और पापा को भी फीवर हो रहा था, तो इसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। लेकिन बच्चे डेली ज़िद कर रहे थे, रजब हसन और अलीशबा, के जाना है। तो फिर आज मौका मिला, तो हमने सोचा कि आज बच्चों को ले जाते हैं। तो ये चेज़क और मैकडोनल्ड भी इसी के पास है, सतियाना रोड पे। ये मैकडोनल्ड की बैक साइड है। पता नहीं मेरे ब्लॉग में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी मैं कोई म्यूज़िक लगा रही हूँ तो साथ ही कॉपीराइट क्लेम दे रहे हैं। मैंने इससे पहले भी दो बार मैं ब्लॉग ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन कॉपीराइट क्लेम दे रहे थे। तो फिर मैंने इसीलिए दो दिन के बाद भी ब्लॉग में पता नहीं क्यों कोई म्यूज़िक नहीं लगाने दे रहे हैं। अभी मैं जो पूरा ब्लॉग बनाऊँगी ये म्यूज़िक के बिल्कुल बगैर बनाऊँगी। ये स्लिमी चौक है, और अभी हम ये डी ग्राउंड में एंटर होने लगे हैं। तो ये एंटर हो चुके हैं, हसन की खुशी चेक करें ज़रा आप। फ्रंट पे हसन, उसके बाबा रजब और उसके बाबा, और पीछे मैं, सिस्टर और भाभी थे। तो ये मेरी फैमिली है, इसके अलावा मेरी दो सिस्टर और हैं, और एक मेरे बाबा। और यहाँ हम लोग ये चंकन चीज़ पे पहुँच चुके हैं, जो कि सिविल लाइन रोड पे है। ये देखें भाभी और हसन, रजत और भाई। ये है फैसलाबाद का चंकन चीज। इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम खाया था ना, तब ज़्यादा अच्छा था। अभी इतना कोई अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि चीज़ बहुत कम था, और अमाउंट के हिसाब से तो बिल्कुल ही, मतलब वो चीज़ नहीं उन्होंने दी, तो मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी। जितने ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं वो लोग, उस हिसाब से तो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं था। लास्ट टाइम जब मैंने खाया था तो बहुत ज़्यादा चीज़ था उसमें, फुल चीज़ी पिज़्ज़ा था, लेकिन इस बार नहीं है। हमने
हम लोगों ने एक अरबिक सैंडविच ऑर्डर किया था और एक लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा था हमारा स्पेशल उनका जो होता है। लेकिन टेस्ट वाइज अगर आप लोग पूछें तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। ब्रेड भी इतना हार्ड था उनका, क्रिस्पी था, सॉफ्ट नहीं था। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी ये देखे ना, मैं दिखा रही थी चीज़, मतलब जैसा होता था इनका वैसे चीज़ नहीं आ रहा, उसकी लेयर्स वैसे नहीं। ये देखे बिल्कुल साइड से खाली, इससे अच्छा तो घर बन जाता है, बिल्कुल चीज़ नहीं था। और ये पिज़्ज़ा 1700 का था, आई थिंक 1700 या 1800 का था, और उसके हिसाब से बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं था। ये था वो सैंडविच, और सैंडविच भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगा मुझे। अरेबिक सैंडविच का जो टेस्ट होता है वो ज़रा स्पाइसेस में बहुत कम होते हैं, लेकिन इन लोगों ने इतने ज़्यादा स्पाइस डाले हुए थे। बच्चों के लिए लिया था, चले बच्चे वो खा लेंगे, वो बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाया। सच बोलूँ तो मुझसे खुद भी नहीं खाया जा रहा था, क्योंकि वो सैंडविच कहीं से अरेबिक नहीं लग रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रजब हसन रिश्वा सब बहुत खुश हो गए थे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग भी हमेशा मेरी दुआओं में रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।